कर्नाटक के बाद कांग्रेस ने राजस्थान चुनाव में भी बिगुल फूंक दिया है और अब बूथ स्तर तक पार्टी पहुंच रही है और वहां पर कार्यकर्ताओं से बात कर रही है। हरीश चौधरी साहब आज मौजूद है हमारे साथ, उनसे बात कर रहे। थोड़ी देर पहले उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया बाड़मेर की राजनीति को लेकर। सर, एक जिक्र किया कर्नल सोनाराम चौधरी और कर्नल मानवेंद्र सिंह का, वो सर बयान क्या? मेरा उसके पीछे जो तात्पर्य था कि कांग्रेस की पार्टी जो भी निर्णय करे उसके साथ अपने को रहना, वो तो बीजेपी मुझे कोई भी, मैंने वो एक्सट्रीम बात करी थी कि वह भारतीय जनता पार्टी में अगर कांग्रेस के सोच सिद्धांत रीति नीति से वो सहमत होते हैं और जो भी उन्होंने समाज को के साथ गलत किया है कि आपस के अंदर से जो आपस का विश्वास के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी के मार्फत से अविश्वास पैदा किया, वो सुधार कर और कांग्रेस की तरफ आए और कांग्रेस पार्टी को लगे कि पार्टी को तैयार करना है। मेरा ये संदर्भ था कि मुझे टिकट मिले नहीं मिले, जिस किसी को टिकट मिले हमको सबको एकजुट होकर उनके साथ रहना चाहिए। तो क्या कर्नल सोनाराम चौधरी पहले भी कांग्रेस का हिस्सा रहे हैं, इस बार भाजपा के साथ चले गए, तो क्या ये उम्मीद की जाए कि वापस कांग्रेस में वो आ सकते हैं? प्रयास चल रहे हैं कांग्रेस के भी अगर जीता उम्मीदवार है साथ लो? नहीं, कांग्रेस के पास जीता हुआ उम्मीदवार की कोई कमी नहीं है और ऐसे प्रयास मेरे जानकारी में तो कोई नहीं। मानवेंद्र सिंह से कोई बातचीत नहीं? मानवेंद्र सिंह जी के भी मेरे संदर्भ उनके संदर्भ में भी मेरी जानकारी नहीं। सर, ये कांग्रेस मजबूत है, जो कांग्रेस के अंदर आज नेतृत्व है बाड़मेर जिले के अंदर वो सक्षम और मजबूत है। मतलब आए तो स्वागत नहीं, कांग्रेस की जाजम ही यही है, कांग्रेस के सिद्धांत यही है कि सबके साथ आपस के अंदर सामंजस्य बनाए और सबको साथ में रखें। ये पूर्व सांसद हरीश चौधरी थे और इनका स्पष्ट कहना है कि उनसे कोई बातचीत नहीं हुई है किसी भी तरीके से, लेकिन अगर कांग्रेस की रीति नीति से उनका ताल्लुक है तो वो कांग्रेस के साथ आए और उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी कहा है कि चाहे मानवेंद्र सिंह हो चाहे कर्नल सोनाराम चौधरी हो, कोई भी आए अगर कांग्रेस की रीति नीति से वो सहमत है तो उनको जिताया जाए। बाड़मेर से इंडिया न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अशोक दहिया के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, बाड़मेर।